आज की ये वीडियो जो है एक जादुई फल के बारे में, ऐसा जादुई फल जो शक्ल में तो हमारे पास टमाटर से ऐसा दिखता है लेकिन ये टमाटर जो है ऑरेंज रंग का है, यानी कि ऑरेंज टोमेटो भी अब इसको कह सकते हैं, लेकिन असल में इसका नाम क्या है? जापानी फल। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जापानी फल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको पर्सिमन भी कहा जाता है। उर्दू में इसको फ्रूटर के नाम से भी याद किया जाता है और अमलोक भी कहा जाता है। और ये जो फल है हमें अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ही थोड़े अरसे में नज़र आता है। है तो ये जापान का नेशनल फ्रूट, लेकिन पाकिस्तान में भी इसकी काश्त की जाती है ताकि पाकिस्तान के भी लोग जो है इसकी गज़ाइत से भरपूर फ़ायदा उठाए। जैसे कि मैंने कहा, ये टमाटर जैसा दिखता है लेकिन टमाटर की गज़ाइत को कई सौ दूर जो है ये कर देता है, क्योंकि इसमें जो ऐसी गज़ाइत मौजूद है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं इसको जादुई फल का नाम दे रही हूँ, क्योंकि अंदर से इसका नरम गूदा और ऊपर से इसका पिलपिला सा जो स्किन है वो इसके जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसको बनाती है। और जहाँ तक मेरी रिसर्च है तो बहुत सारे लोगों को ये फल नहीं पसंद, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये फल ज़रूर पसंद आने वाला है और एक दफ़ा आप चख के ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो छुपी गज़ाइत है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। अब इस जादुई फल की कुछ गज़ाइत के बारे में बात कर ली जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंटली सब ये जानना चाहते हैं कि इनमें कैलोरीज़ कितनी होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कैलोरी फ्रेंडली फ्रूट है, जो कि हमारे वेट में बिल्कुल भी हमें नहीं बढ़ाएगा और वेट गेन करने से जो डर रहे होते हैं वो इसको अपनी डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली 100 ग्राम का ये जापानी फल का एक फ्रूट हमें 70 कैलोरीज़ दे रहा होता है, और 70 कैलोरीज़ में जब हम बात करें तो उसमें फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार है, 3.6 ग्राम्स जो है हमारे पास फाइबर है। और जिस भी फ्रूट में जब फाइबर आ जाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है, जो कि डायबिटीज़ फ्रेंडली भी हो जाता है और वेट वॉचर्स के लिए भी फ्रेंडली हो जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और सी की बड़ी अच्छी मिकदार जो है वो शामिल है। इसमें कैल्शियम भी मौजूद है, फॉस्फोरस भी मौजूद है, और इसमें जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी 18 ग्राम्स यानी कि बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम इसको अपनी डाइट में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से दो फ्रूट जो है वो आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जादुई फल यानी कि जापानी फल में एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, फाइबर, 3.6 ग्राम फाइबर है, जो हमारी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम है और सीने की जलन भी रहती है वो इसको ज़रूर अपनी डाइट में शुमार कर सकते हैं। और इसका फाइबर जो है हमें वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और इसमें मौजूद जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें मौजूद जो पोटेशियम है वो हमारे जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त। तो आप ये जान लें कि जितने भी ये फ्रूट्स अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस किए हैं इनमें मौजूद कोई भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोई भी फैट्स नहीं होते, तो हार्ट फ्रेंडली तो ये होते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो हमें मिल रहा होता है वो हमारी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस जादुई फल यानी कि जापानी फल का सबसे मेन इंग्रेडिएंट बीटा कैरोटीन। जी हाँ, बीटा कैरोटीन हमारी आंखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि यही बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, जो हमारी आईज़ की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट है। तो बेसिकली इसका जो ऑरेंज कलर है उसी से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें मौजूद जो बीटा कैरोटीन है वो हमारी बॉडी में हमारी आँखों के रेटिना के लिए, कॉर्निया के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन का काम करता है। और यही विटामिन ए हमारी स्किन हेल्थ यानी कि हमारी एपिथेलियल सेल्स जो है स्किन के, उसको भी रीजेनरेट करने का एक काम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमें कैंसर प्रिवेंशन की तरफ लेकर जाते हैं, कैंसर फाइटिंग फूड्स में उनका शुमार होता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बॉडी में मौजूद जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनसे मुकाबला करने में हमारा एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो बेसिकली ये जो फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हमारे पास जापानी फल है ये बहुत ही ज़बरदस्त है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, आँखों की हेल्थ के लिए और कैंसर प्रिवेंशन के लिए। अब हम जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी को हम कैसे भूल सकते हैं? तो बेसिकली इस जादुई फल यानी कि जापानी फल में विटामिन ए और सी का एक बहुत ही ज़बरदस्त
कॉम्बिनेशन पाया जाता है जो कि हमें बहुत सारी स्किन की डिजीज़ से जो है वो बचाता है, और जिसमें स्किन का कैंसर भी शामिल है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर शामिल है, लंग्स कैंसर शामिल है। तो बेसिकली ये तीन कैंसर से हमें प्रिवेंशन का काम करता है। इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर है, यानी कि जो लोग परेशान रहते हैं कि झुर्रियाँ उनकी जो है वो जल्दी आ रही हैं और एजिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, तो वो इस फल को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो बेसिकली स्किन के हवाले से, आइज़ के हवाले से, और हेयर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, तो बेसिकली बालों में बहुत सारे लोगों को खुश्की हो जाती है, और ये वो दो महीने होते हैं जिसमें देखा गया कि हेयर डैंड्रफ का प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन महीनों में इस फल का इस्तेमाल करें ताकि आपके सर की खुश्की जो है वो भी ख़त्म हो। अब हम इसके उन फवाइद के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, यानी कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। बहुत सारे लोगों को जो है वो आर्थराइटिस का डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, जिसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फल है। इसमें ऐसा क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे लोगों को पट्ठों में दर्द रहती है और बोन्स में स्टिफनेस और अकड़ाव रहता है, और जब वो सुबह उठ रहे होते हैं तो उनसे उठा नहीं जा रहा होता, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन होते हैं। तो इस जादुई फल में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो शामिल है जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उनकी स्टिफनेस को, अकड़ाव को जो है वो कम करेंगे, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के ताल्लुक रखने वाले जितने लोग हैं वो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से अपनी बॉडी में जो है वो बहुत ज़बरदस्त अपनी इम्यूनिटी को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो है इस मौसम में खुश्क खांसी का शिकार हो रहे होते हैं, तो इस खुश्क खांसी में जो है इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अब इतने ज़्यादा फ़वाद जानने के बाद आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं इसको जादुई फल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट्स के लिए, हमारी स्किन हेल्थ के लिए, हमारी आँखों के लिए कितने ही फ़वाद जो है इस छुपे हुए फ्रूट में मौजूद है, जो कि बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आता है। जापान का नेशनल फ्रूट है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी ये ज़रूर जो है वो अब पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले इस जादुई फल को नहीं खाते थे वो एक दफ़ा चख के ज़रूर देखेंगे कि इसके नरम गूदे में कितनी गज़ाइत है, कितना ये लजीज है, और कितना खुशनुमा ये दिखने वाला फल कितनी गज़ाइत से भरपूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैसेज में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं इस जैसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।